स्वागत है दोस्तों आप लोग को और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को लेकर आए हैं माता हिंगुड़ा मंदिर। दोस्तों ये हिंगुड़ा माता के मंदिर जो है कि शंखोचिला में पड़ता है। ये शंखोचिला जो जाजपुर रोड से इसका दूरी है 7 किलोमीटर, और अगर पानीकुइली तरफ से आते हैं तो पानीकुइली से इसका डिस्टेंस है 17 किलोमीटर। दोस्तों अगर आप डुबरी तरफ से आते हैं तो डुबरी से इसका डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। तो दोस्तों ये जो रास्ता यहाँ आने के लिए काफ़ी सुंदर है, कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। मेन रोड का बगल में ही ये मंदिर विराजमान है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जो है कि बहुत पुराना है, और इस बरगद का पेड़ में इसका जो पेड़ के नीचे जो है कि माता विराजमान है। और ये जो माता है ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जो है कि बहुत ही विख्यात है। दोस्तों तो चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग। दोस्तों आज आप लोग को लेकर आए हैं नए जगह। आज के वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं हिंगुड़ा माता का मंदिर जो है कि जाजपुर जिला में पड़ता है। दोस्तों ये हमारा शंखोचिला, जगह का नाम है शंखोचिला, और इस शंखोचिला में जो हिंगुड़ा माता का मंदिर बहुत ही प्रख्यात है यहाँ पर। और जाजपुर जिला में ये एक ऐसा देवीपीठ है, ऐसा एक शक्तिपीठ है जो हज़ारों के तादाद में यहाँ पर लोग दर्शन करने, माता हिंगुड़ा का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वो मंदिर आप लोग को दिखाएंगे, उसका प्रांगण आप लोग देख पा रहे होंगे। एक छोटा सा यहाँ पर पार्क है, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा एक पार्क है जो कि ये मंदिर प्रशासन का द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों ये मेरे पीछे साइड में, और आगे साइड में देखिए जयगुरु मंदिर बन रहा है, और जयगुरु मंदिर ये सामने रहेगा। और यहाँ देखिए इतना बड़ा सा पेड़ है, ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ यहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहिए, आप लोग को अंदर ले चलते हैं और सारा चीज़ दिखाते हैं। ये प्रसाद का दुकान है, यहाँ पर भोग मिलता है, और यहाँ से भोग ले चलना होगा और भोग लेके फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे उस तरफ मेरा गाड़ी खड़ी है, उस तरफ पार्क है, और ये है उसका जो गेट बन रहा है। देखिए बाउंड्री कितना प्यारा सा यहाँ लिखा है, माँ हिंगुला पीठ शंखोचिला। देखिए तीन उसका ये बना है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ देखिए पानी का टैप लगा हुआ है, जैसे मंदिर जाने से पहले यहाँ पर हाथ पैर धो लीजिए, उसके बाद मंदिर में चलेंगे। तो दोस्तों ये है हिंगुड़ा माता जी का जो मंदिर का प्रांगण है दोस्तों, और ये मंदिर का इलाका आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ सारा चीज़ आप लोग को एक एक करके दिखाएंगे। ये यज्ञ मंडप है, और उस तरफ है एक मंडप है जो शादी ब्याह होता है उसका मंडप है दोस्तों। और यहाँ कोई भी आता है तो उसका मनोरथ के लिए यहाँ पर मानसिक करके यहाँ पर जैसा बांधा हुआ है, तो ये सब यहाँ पर बांधते जाते हैं, मनोकामना करते जाते हैं, जैसे कि मनोकामना आपका पूरा हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सब बांधा गया है दोस्तों। तो चलिए मंदिर इस तरफ है, बरगद का पेड़, बहुत पुराना सा बरगद का पेड़ आप लोग देख पा रहे हैं, और मंदिर का अंदर आप लोग को ले चलते हैं। Thank you.
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितना ये मनोकामना है, मनोकामना के तहत यहाँ पर सारा बना गया है। और ये देखिए विवाह मंडप है, जो शादी ब्याह वाला मंडप है दोस्तों। यहाँ पर जो शादी उदी होता है तो ये शादी ब्याह के लिए मंडप बनाया गया है। और उस तरफ देखिए रोश घर है, यहाँ पर जो खाना उना बनने का है यहीं पर बनता है दोस्तों। और ये देखिए अतिथि भवन है, ये अतिथि भवन में जैसे लोग गेस्ट आते हैं तो गेस्ट लोग के लिए ठहरने के लिए यहाँ पर आवास बनाया गया है। और ये अतिथि भवन है। और दोस्तों इधर देखिए सारा मंदिर का नज़ारा बाहर से किस तरह दिखता है, तो सारा चीज़ आप लोग देखिए क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा जगह है ये मंदिर, जो है कि माता हमारे हिंगुड़ा माता के मंदिर है। तो पंडा से पूछते हैं उसको ये मंदिर कैसा लगा। कैसा लगा पंडा बताओ? बहुत अच्छा है मंदिर, बहुत दिन से आया नहीं था क्योंकि जगह नया जगह है। बहुत अच्छा भी लग रहा है, भाई के साथ घूम रहा हूँ, मज़ा भी लग रहा है। देखते हैं आगे ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे, वो लोग भी आएगा ना। मैं इतना जरूर बोलूँगा कि आगे आइए, आप देखिए जगह को देखिए, और आपका दोस्तों लोग को परिवार लोग को लेके आइए, जगह देखिए, घूमिए, इन्जॉय भी कीजिए, परिवार लोग के साथ आइए। बहुत बहुत अच्छा जगह है, देखने में बहुत अच्छा जगह है। फैमिली लोग जा सकते हैं, सब कोई जा सकता है यहाँ पर। ये जगह में नया आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये था माँ हिंगुड़ा का जो मंदिर जजपुर में, और जो शंखचिला में पड़ता है दोस्तों, ये शंखचिला का मंदिर जो है दोस्तों बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही सुंदर और ही अच्छा बनने वाला है। तो दोस्तों हमारे साथ अजीत है, अजीत से पूछते हैं, अजीत कैसा लगा इसको, अजीत कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा, ये भी पहली बार आया था तो इसको भी अच्छा लगा। तो दोस्तों आप लोग भी जरूर आने के लिए कोशिश करें, आप और आपका परिवार दोस्तों को भी लेकर यहाँ आए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग में आप लोग को ये माता हिंगुड़ा का मंदिर दिखाया दोस्तों, और शनि मंदिर भी यहाँ पर है, तो शनि महाराज का भी मंदिर का ब्लॉग में लेकर आएंगे इसके बाद। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।